So hello everyone. So now we are starting a dual nature of radiation and matter. ठीक है, तो ये टॉपिक, ये जो लेसन है आपके, ये 12th स्टैंडर्ड का लेसन है ना, और दिस इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा इसको कहला, ये मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा कहलाते इसको. ठीक है, आपको ये सारी प्लेलिस्ट में पूरा ड्यूअल नेचर आपको मिलेगा. इसका हर एक टॉपिक्स, इसके हर एक न्यूमेरिकल्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको. चलिए, तो वॉच करिए, कंटिन्यू करिए. चलिए, ध्यान देते हैं हम लोग, समझते ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो जिस हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री अगर हम लोग को थोड़ा सा अगर पता हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी आर कॉल्ड इट इज ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर हम लोग तो सबसे पहले इसलिए इसको कहते हैं कि दो साइंटिस्ट, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया. एक साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है लाइट में, है ना, और एक साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट नहीं करता लाइट. एक ने अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, दूसरे ने भी अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया. कौन से वो साइंटिस्ट थे उसके भी हम लोग बारे में चर्चा करेंगे. तो दोनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के कारण पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि एक पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है और एक पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, एक इसने बताया करता है, दूसरे ने बताया नहीं करता है, इसलिए इसको दोनों में कंबाइन, इसलिए इसको माना गया ड्यूअल नेचर. ड्यूअल बोले तो दोनों भी नेचर फॉलो करने वाला रेडिएशन, दोनों भी नेचर फॉलो करने वाले रेडिएशन और मैटर्स. क्लियर, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका सबसे पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सॉरी कि बहुत बड़े नामांकित साइंटिस्ट, और उनका नाम था दैट इज न्यूटन, है ना. तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे. न्यूटन ने कहा था कि दिस इज न्यूटन, है ना, न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी, न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी. सो न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी ने हम लोग को ये बताया था कि जब भी कोई लाइट ट्रैवल होती है फ्रॉम वन सोर्स टू द डेस्टिनेशन, या इट इज इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, तो ये एक पार्टिकल के फॉर्म में निकलता है. और जो पार्टिकल वहां से निकलता है वो इट इज इन द वेरी माइन्यूट पार्टिकल, और उसी पार्टिकल का नाम उसने, साइंटिस्ट ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, और वो जो पार्टिकल का नाम दिया था उसी को कहा गया था कार्पस्कल. इसलिए वो जो थ्योरी को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में जो नोमेनक्लेचर था वो था न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी. बट एक्चुअली द न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें गलत प्रूफ हुई थी. तो वो गलत प्रूफ एक ही ये हुई थी कि स्पीड ऑफ कार्पस्कल इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ कार्पस्कल इन द रेयरर मीडियम. Clear? तो स्पीड ऑफ कार्पस्कल इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ कार्पस्कल इन द रेयरर मीडियम. तो ये थ्योरी इसके वजह से फेल्ड हो गई कि भैया इनने एक पार्टिकल नेचर तो बताया था, बाद में पार्टिकल नेचर तो प्रूफ हो गया, बट और एक पॉइंट यह प्रूफ नहीं हुआ कि जो डेंसर मीडियम में जो आपकी स्पीड होती है वो स्पीड इन्होंने बताई थी कि वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रेयरर मीडियम. बट एक्चुअली द थिंग इज कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम. क्लियर, चलिए. तो इसलिए ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई. तो न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी ये लाइट के बारे में थ्योरी थी. फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, है ना. मैक्सवेल ने बताया कि भैया कोई भी पार्टिकल जो ट्रैवल होता है वो पार्टिकल सॉरी कोई भी रेडिएशन या लाइट रेडिएशन ट्रैवल होती है तो वो रेडिएशन में पार्टिकल नहीं होते. ठीक है, तो फिर ट्रैवल क्या होती है? ट्रैवल होती है एनर्जी. तो एनर्जी ट्रैवल होती है, तो एनर्जी में क्या क्या चीज़ होती है? एनर्जी में उसकी एम्पलीट्यूड होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसका बहुत सारी क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, एंड देन सो ऑन. इट इज ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज वेल. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई. तो ये एक मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट. तो मैक्सवेल थ्योरी ने बताया था कि भैया लाइट की स्पीड जो होती है दैट इज 3 × 10⁸. इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बताई कि भैया मैक्सवेल ने कि जो थ्योरी जो बनाई थी उसकी स्पीड बताई थी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से ये ट्रैवल होता है. क्लियर, इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगेंस वेव थ्योरी, है ना. तो हाइगेंस वेव थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया कि हाइगेंस वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई लाइट ट्रैवल होती है तो उसमें कोई पार्टिकल ट्रैवल नहीं होता. एंड अगेन द लाइट हाइगेंस वेव थ्योरी अगेन देयर इज अ सक्सेसफुली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया, पोलराइजेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर ली, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन
है ना। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सारी चीजें, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय दिस हाइगेंस वेव थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस वेव थ्योरी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, एवरी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इट इज ट्रैवलिंग, और वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन से ट्रैवल होते हैं, उसकी स्पीड कुछ और स्पीड होती है, 3×10⁸। सो दीज आर दिस कंसेप्ट ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। बट दिस हाइगेंस वेव थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ये फिर से हाइगेंस वेव थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दैट इज कॉम्प्टन इफेक्ट। कॉम्प्टन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एब्सॉर्प्शन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, या एंड देन देयर इज इमिशन, इमिशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, कॉम्प्टन इफेक्ट होता है, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड दैट इज एंड दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। ये ड्रॉबैक रहा हाइगेंस वेव थ्योरी का, ड्रॉबैक कहा रहा, क्या रहा हाइगेंस वेव थ्योरी का, इट कैनॉट एक्सप्लेन द कॉम्प्टन इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट कैनॉट एक्सप्लेन एब्सॉर्प्शन, ये एब्सॉर्प्शन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इट कैनॉट एक्सप्लेन इमिशन, ये अगेन इमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो देयर इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या अगेंस्ट हाइगेंस वेव थ्योरी, क्लियर। उसके बाद में हम लोग थोड़ा डायरेक्ट चलता हूँ, ज्यादा इसमें हम लोग ज्यादा इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट थोड़ा सा इसमें मैं चलूँ। इसके बाद में और एक साइंटिस्ट आया था, हर्ट्ज, हर्ट्ज ने बताया था कि व्हेन देयर इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फॉल ऑन दिस मेटल सर्फेस, देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस फिनोमेनन उसने उसका नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इट मीन्स दैट अगेन देयर इज अगेन सेकंड ड्रॉबैक फॉर दिस हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी अगेन कैन नॉट एक्सप्लेन, फिर से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो अगेन दिस आर दिस ड्रॉबैक्स फॉर दिस हाइगेंस वेव थ्योरी। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हर्ट्ज, है ना। सो हर्ट्ज ने ये बताया कि भैया सबसे पहले ये है, इन्होंने ही एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगी, मतलब कोई मेटल के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होगी, तो इन्होंने एग्जांपल के तौर पे जिंक लिया था, है ना। जिंक लेने के बाद में ये मेटल सरफेस जो जिंक लिया था, सो जिंक के ऊपर उन्होंने रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, लेकिन कौन से रेडिएशन को इंसिडेंट कराया था, वो रेडिएशंस थे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सो इट फाउंड दैट देयर इज इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट जिंक सरफेस, तो जिंक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे, और दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के बाद में उन्होंने एक कंसेप्ट निकाल के लाया, दैट इज नथिंग बट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, हॉलवाच हुआ, जे जे थॉम्सन, एंड अगेन देर इज मल्टीपल साइंटिस्ट हुए, और बहुत सारे साइंटिस्ट होने के बाद में एक फिर से मेलिकन, याद ऐसा कुछ तो भी, कोई एग्जैक्टली उसका प्रोनाउंसिएशन याद नहीं आ रहा है, बट मेलिकन ऐसे कुछ तो भी साइंटिस्ट थे जिनको 1923 में उनको नोबेल प्राइज से भी उनको नवाजा गया था। तो मेलिकन, या एग्जैक्टली देयर इज मेलिकन, है ना। सो मेलिकन एक साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने बहुत सारे मेटल्स के ऊपर मल्टीपल्स रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद में उन्होंने पाया कि बहुत सारे मेटल्स की वजह से करंट बन सकता है, है ना। दैट्स व्हाई इट गेट द नोबेल प्राइज इन 1923, क्लियर। सो नाउ, तो उसके बाद में जो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, जो भी अभी मैंने बताया, वो उसके बाद में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड ही गेट द नोबेल प्राइज, एंड ही डिस्कवर्ड ऑल द कंसेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने बताया, तो उसके जो मेन मेजोरिटी पॉइंट्स जो है हम लोग यहाँ डिस्कस कर ले, वो मेजोरिटी पॉइंट्स हमारे ये थे, जस्ट अ सेकंड, वो मेजोरिटी पॉइंट्स कुछ हमारे ऐसे थे कि जब भी कोई लाइट, है ना, चलिए देखते हैं हम लोग, ओके एक्सक्यूज मी, मेरे को थोड़ा सा माफ कर देना, एक पॉइंट मैं यहाँ बोलना भूल गया कि भैया एक फिर से एक थ्योरी बनी थी उसके बाद में जो थ्योरी बनी थी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज अ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, है ना, जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने यह बताया कि जब भी कोई सोर्स, है ना, इफ देयर इज वन सोर्स, ये अगर मान के चलिए कि ये हमारा सोर्स है, इफ देयर इज अ सोर्स इमिटिंग द रेडिएशन, जब ये सोर्स रेडिएशन को इमिट करेगा, तो रेडिएशन इमिट करने के बाद में ये कुछ डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज, और ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं इसको कहते हैं फोटोन,
so that is called as photon. So when this source emits the radiation, so that emitted radiations is in the form of discrete packets. ये discrete packets के form में होगी, clear? और वो जो discrete packets होगे, that is called as photon. And the ultimate name, ultimate concept of photon is what? कि it is in the form of energy packets. Photon का मतलब यही होता है कि ये जो होते हैं सारे के सारे energy packets होते हैं, clear? और energy packets होने के कारण ये सारे के सारे ये एक डिस्क्रीट इसमें ट्रैवल होते हैं, और जो फोटोन होते हैं व्हिच इज ट्रैवलिंग एंड दिस इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज v इज इक्वल्स टू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज आल्सो अ स्पीड ऑफ फोटोन व्हेन इट इज इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, clear? तो emitting from the source, so जो ये जो होती है, so this is in the form of energy packets. अब यहाँ जो energy होती है, so that is energy which is emitting from the source, that E is equals to H into nu, where nu is the frequency of this incident, where the frequency of this energy packets, clear? So and H is a Planck's constant. H आपका Planck constant है. Nu is your frequency of these packets and this E is nothing but the energy, clear? ये E is equals to energy हो गया. Then again, फिर इसके बाद में ये सारी चीजें कि भैया E is equals to मतलब ये कितने energy से चलता है, ये चलता है H into nu से, speed से कितने चलता है 3×10⁸ meter per second से, clear? अब जब ये चलता है तो हम लोग फिर प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बहुत सारे इसके अजम्पशन दिए. उसका एक अजम्पशन ये था कि जब भी ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम लोग इसको रखें, है ना, इफ आई एम टेकिंग इन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बीच में हम लोग रखते इसको, या इफ आर टेकिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फोटोन. इसमें डिफ्लेक्शन या इसमें इसके डिफ्लेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स इट्स ट्रैवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. स्ट्रेट डायरेक्शन से ट्रैवल करेगा कब? व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दिस फोटॉन्स. सिमिलर वे, सो देयर इज अगेन मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दूं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इनके बीच में लगा दूं, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन. कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसके बीच में. किसके बीच में? व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दिस डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ फोटॉन, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दिस फोटॉन, क्लियर? और एक इसने और इसमें एक चीज इन्होंने बताई कि देयर इज नो आयोनाइजेशन. यहां इसका कोई आयोनाइजेशन नहीं होता, क्लियर? देयर इज नो आयोनाइजेशन ऑफ दिस फोटॉन, क्लियर? सो दिस आर दिस कंसेप्ट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अगेन इसके दो कंसेप्ट फिर से है, एक मास एंड मोमेंटम. एक मास और मोमेंटम के बारे में बात करती है, मास एंड मोमेंटम. तो मास और मोमेंटम किस चीज के ऊपर डिफाइन करते हैं? मास और मोमेंटम इसके आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो इक्वेशन बनती है हमारी, E is equals to, this is mc square. Clear? E is equals to mc square. So this is आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन या आइंस्टाइन एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन. तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मास एंड मोमेंटम फॉर दिस फोटोन इज इक्विवेलेंट, क्लियर? या अदरवाइज मास एंड एनर्जी, जो मास होती है और एनर्जी होती है, इट इज इक्विवेलेंट. मास और एनर्जी इक्विवेलेंट मानी जाती है किसमें? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास और एनर्जी इक्विवेलेंट मानी जाएगी, क्लियर? और जो मास और एनर्जी इक्विवेलेंट माने जाने के बाद में, जो अगर मैं यहाँ से एम का इक्वेशन बना लूँ, तो एम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, है ना, ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, एंड वी हैव द इक्वेशन इज इक्वल टू एच इनटू न्यू. So again, this is m is equals to, so h into nu, and this is c square. Again, we have the equation for nu, that is frequency. Frequency is equals to c divided by lambda. So where lambda is wavelength, है ना? Lambda क्या हमारी wavelength है. So again, we are putting nu is equals to c upon lambda here. So again, we get the equation for mass. So mass is equals to h, clear? And this is h divided by c into lambda.
Clear? If I am putting the value of nu here, so this is c divided by lambda, so this c and this c get cancelled, so h divided by c into lambda. Clear? So it means that, so this is this mass, ye aapka mass ho gaya. Clear? And again this is rest mass condition for this Planck's quantum theory. और एक चीज निकल के आती है यहाँ से, rest mass condition. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे rest mass condition. तो rest mass condition क्या चीज होती है? Rest mass condition में हम लोग मान के चलते हैं कि अगर if there is m is equals to m naught divided by under root of this is 1 minus v square divided by c square. So where v is a speed of, where v is a speed of photons. If there is v is equals to speed of photons and it is traveling with the speed of light, so we are assuming that v is equals to c, है ना? और यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन बना ले, so this is m naught is equals to this is m into under root of this is 1 minus v square divided by c square. So if we are assuming v is equals to c, अगर मैं इन दोनों को assume कर लूँ, v is equals to c है, so it is means that m naught is equals to m into 1 minus 1, so m naught is equals to m into 0, so m naught is equals to 0. It means that there is no existence of photons in the rest. Rest position पे कोई भी photon आपका exist नहीं करेगा. There is no existence of photon in the rest. So this is all about the basic and simple explanation. And this is, we can only considered as a introduction part of dual nature of radiation and matter. So this is all about the first part of dual nature of radiation and matter. So again, we are continuing this video and we are study about the photoelectric effect. So this is the first and introductory part for dual nature of radiation and matter. And this is a part of modern physics. So again, we are continuing this video.